सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर हैबिट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगनर्स मेकअप किट के बारे में, क्योंकि मेकअप का हम सभी को शौक होता है एंड जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। कुछ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ कम दाम होते हैं, लेकिन समझ नहीं आते कि इसे लेने के लिए पैसे बर्बाद होंगे या फिर सच में वो अच्छा प्रोडक्ट है। इस चक्कर में हम अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी बहुत किया। आप कमेंट करके बताएं इस चक्कर में आप के पैसे बर्बाद हुए कि नहीं। तो चलिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक किट बनाऊंगी बिगनर्स के लिए। जब आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इससे करें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत सही रेंज में है, आपके बजट में आराम से आ जाएंगे एंड इनकी क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छे सारे प्रोडक्ट हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेकअप के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए आप लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र ट्राई कर सकते हैं। ये आपको गर्मी में, ठंडी में, हर टाइम आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। और एक और बात बता दूँ, मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मेंशन किए हैं वो ज़्यादा प्राइस के नहीं है, आपको 300 के नीचे सारे प्रोडक्ट आराम से मिल जाएंगे। अब आप एक लिप बाम रखना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेकअप लिपस्टिक यूज़ करो ना करो, एक लिप बाम ज़रूर यूज़ करो। तो आप मेबलिन का बेबी लिप ट्राई कर सकते हैं या फिर आप हिमालय का लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। आपको ये दोनों लिप बाम बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छा लिप बाम है। प्राइमर की बात करें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छा भी है। यकीन करें, मैं अभी भी जब से स्टार्ट किया मेकअप उस वक्त से लेकर अभी तक मैं यही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा ट्यूब है, ये बहुत कम लगने के साथ साथ बहुत अच्छे आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है एंड आपका इस पर मेकअप बहुत अच्छे से जाता है। तो प्राइमर के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो। ये है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके मैं प्राइस आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। बेस की बात करूं तो ये मुझे सबसे अफोर्डेबल और सबसे अच्छा लगा। ये आपको 100 से 150 के बीच में आराम से मिल जाएगा एंड यकीन करें मैं अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं पहले इसे यूज़ नहीं करती थी एंड मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि जब मुझे फाउंडेशन चाहिए था उस वक्त मुझे इसका आइडिया क्यों नहीं आया। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है एंड मैंने दो सेट में यूज़ करती हूँ, ये है 03 एंड 05 एंड यकीन करें ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एक बार आप ट्राई करके देखें, मुझे तो अब तक का सबसे बेस्ट फाउंडेशन लगा। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर आप ले भी लो, अगर सूट ना करें आपको तो इसमें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। 400-500 आपको खर्च नहीं होगा, 150 के नीचे आपको आराम से मिल जाने वाला। तो एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई करें। कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करें तो मेरे पास अभी लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है। इनफैक्ट अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत सारे कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाएंगे। मेबलिन का भी कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत सही है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। मस्करा के लिए आप यही लें और ये आपको 250 तक में मिल जाएगा, जब आपको डिस्काउंट ऑफर चले तभी आप इसे ले। ये 250 या 220 के आसपास मिल जाएगा, मुझे याद नहीं मैंने डिस्काउंट पे कितना लिया था, लेकिन इतना श्योर हूँ कि 300 से नीचे ही मिल गया था एंड ये बहुत अच्छा मस्करा है। मैंने मेरा अभी से एक या दो साल से ये आराम से चल रहा है एंड मुझे बहुत पसंद आया, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। काजल के लिए मैं दो ऑप्शन दूंगी, ये है ब्लू हेवन का काजल, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि ये अच्छा काम करेगा, बट यकीन करें ये अच्छा काम कर रहा है। एंड ये है लैक्मे का काजल, जो हम सब जानते हैं लैक्मे का काजल इज़ द बेस्ट काजल। तो आप काजल के लिए इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। कंसीलर के लिए मैं आपको ये ऑप्शन दूंगी, बस एक ही ऑप्शन है, अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो मैं लाइनर के लिए लैक्मे का इंस्टा लाइनर सजेस्ट करूँगी, ये बहुत कम दाम में मिलेगा एंड सच बताओ सारे लाइनर को अभी तक ये फेल कर सकता है, मुझे अब तक का बहुत प्यारा लाइनर लगा। बट आपको अगर लगाने आती है तो ये सही है, अगर नहीं लगाने आते तो आप स्केच लाइनर ही यूज़ करो। अब वेट एंड माइल का ये आई शेडो की बात करें तो आप वेट एंड माइल का ये आई शेडो ट्राई कर सकते हैं, ये मेरा टूट चुका है फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ, बिकॉज ये बहुत बहुत अच्छा आई शेडो है। मतलब ये पाउडरी नहीं है, क्रीमी इसका टेक्सचर है एंड बात करें इसके कलर्स की तो इतने अच्छे कलर्स है कि आप हर तरह का आई लुक इससे क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको मैट सेट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ग्लिटर सेट भी मिल जाएगा, जैसे कि ये एंड ये देखिए ये मैट है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी आपको
ढेर सारे आई शेडो एंड ब्रश बर्बाद की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को डेली मेकअप तो करना नहीं होता है, साल में एक दो शादी होती है उसमें मेकअप करना होता है, और हेवी मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, थोड़ा लाइट ही पसंद है। आपको कैसा मेकअप पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आई शेडो के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर लें। इसका प्राइस एंड शेड मैं आपके स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। हाइलाइटर की बात करें तो मेवलिन का ही हाइलाइटर सजेस्ट करूँगी। मेरे पास एक और हाइलाइटर है जो मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप करना यूज़ स्टार्ट किया था तब मैंने लिया था, ये भी अच्छा हाइलाइटर है बट इसके हिसाब से ये कुछ नहीं है। ये आपको 150 से 200 में मिल जाएगा, ये भी अच्छा है, मैं नहीं कहूँगी नहीं अच्छा है, बट ये ले लो तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये ले लिया ना तो इसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ उसके अलावा मैं सोच भी नहीं सकती। बस एक बार इन्वेस्ट कर लो एंड आपको इससे प्यार हो जाने वाला है। एंड इसकी बात करें तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने कोई रिग्रेट नहीं हुआ है मुझे। बट होता नहीं किसी इंसान को प्यार हो जाता है एंड कोई इंसान को ठीक ठाक लगता है, ये मुझे पहला था तो मुझे यही बेस्ट लगता था, अब जब मैंने ये ले लिया तो उसके अलावा मुझे ये दिखता ही नहीं है। तो आप दोनों में से कोई ट्राई कर सकते हो। ब्लश पैलेट के लिए ये एकदम परफेक्ट है, इसमें 4 ब्लश का आपको सेट मिल जाएगा, 2 कॉन्टोर का एंड 2 हाइलाइटर का। तो आप इस पर इन्वेस्ट कर लो, बस काम बन जाएगा, उसके बाद आपको 1-2 साल तक तो छुट्टी मिल जाएगी, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो परफेक्ट है बिगनर के लिए। एंड इनफैक्ट इसका एक छोटा भी आता है जिसमें बस 4 ही होता है, उसमें एक हाइलाइटर रहेगा, एक ब्लश रहेगा और एक पाउडर रहेगा, एक कॉन्टोर रहेगा। मेरे पास अभी है नहीं, बस आप चेक करना अमेजोन पर, आपको मिल जाएगा। इसका एक छोटा वर्जन रहता है जिसमें 4 ही रहते हैं। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तब मैंने वो वाला लिया था, अभी मैं ये ले रही हूँ। हालांकि ये भी अफोर्डेबल है लेकिन वो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। लिपस्टिक में मैं कहूँगी कि आप एलेटिन से शुरू कर सकते हो, इसकी प्राइस रेंज भी सही है एंड इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोकल लिपस्टिक भी होते हैं जो बहुत अच्छा है। ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था एंड यकीन करें बहुत ही अच्छा है, इसका सेट भी हुआ बहुत अच्छा है। हालांकि ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड मुझे लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये पता नहीं कैसे मुझे पसंद आ गया एंड ये मैंने शायद 100 रुपीज़ में ली थी एंड मुझे अभी बहुत पसंद आ रहा है। मेकअप करने के लिए एक अच्छे से स्पंज का होना बहुत ज़रूरी है एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही कोई स्पंज परचेस करो, मैंने आज तक कोई नहीं किया क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 100 से ऊपर ही होते हैं एंड लोकल में आपको 30-40-50-60 तक आराम से मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ये वर्क करता है बहुत, ये इसका डबल साइज होता है जब मैं इसे गीला करती हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन चक्करों में पड़ो कि बोले कि मार्केट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, स्पंज इसमें क्वालिटी ही क्या बात है। बट देखिए कभी कभी होता है कि नहीं अच्छा मिलता है, मुझे एक बार नहीं अच्छा मिला लेकिन हर बार मुझे अच्छा मिलता है। तो आप इसे स्पंज के लिए आप लोकल स्टोर से आराम से ले सकते हो। सो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।